की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान में अडानी ग्रुप के ज्वाइंट डायरेक्टर दीपकरश्मि त्रिपाठी ने होटल के कमरे में ये मृत पाए गए। होटल फॉर्च्यून के कमरे में रश्मि त्रिपाठी का शव संदिग्ध हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर से रश्मि त्रिपाठी होटल फॉर्च्यून में ठहरे हुए थे और आज सुबह 8 बजे रश्मि त्रिपाठी की फ्लाइट थी। होटल प्रबंधन की माने तो जब रश्मि त्रिपाठी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। शक होने पर होटल प्रबंधन ने जब दरवाजा तोड़ा तो रश्मि का शव होटल के कमरे में पड़ा था। आशुतोष है हमारे साथ इस खबर पर। आशुतोष, अभी जांच जो शुरू हुई है, पुलिस क्या कह रही है अब शुरुआती जांच को लेकर? देखिए, शव को SMS अस्पताल का जो मुर्दा घर है वहां पे रखवाया गया है और जो उनके जो परिजन है उनको संपर्क किया गया, क्योंकि संदिग्ध हालत में ये मौत हुई है। देर रात उनको अक्सर नींद की गोलियां लेने की आदत थी, नींद की गोलियां मिली थी, लेकिन जानकारी में ये भी आया है कि कुछ उन्होंने ऐसी दवाइयां ली जिनके चलते उनकी मौत हुई है। तो मौत का असली वजह क्या थी ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जो कारण बताए गए वो खुदकुशी बताया गया, क्योंकि होटल के रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि उनकी मौत का कारण कोई भी नहीं, व्यक्तिगत उनके कुछ कारण थे, कुछ निजी कारण थे जिसे लेकर किसी और को परेशान नहीं किया जाए। तो एक सुसाइड नोट भी मिला है और आशंका यही जताई जा रही है अभी शुरुआती तौर पर पुलिस की तरफ से जुराज में कि आत्महत्या कहीं ना हो। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।